हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने घर पर ही होंगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे इंडिया में और कोरोना वायरस की वजह से। और आप लोग घर में ही रहिए, सेफ रहिए और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। और फ्रेंड्स, जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो है जॉब्स की न्यूज़ नहीं आ पा रही है, क्योंकि सभी ऑफिस लगभग बंद है, जो इमरजेंसी सेवा है सिर्फ वही खुली हुई है। तो जैसे ही जॉब्स की अपडेट आने शुरू होंगी तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जरूर अपडेट लेके आऊँगा अपने इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। और बहुत दिनों से आप लोगों से बात भी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर एक अपडेट लेके मैं आया हूँ जो कि कृषि विभाग की तरफ से है, जो कि बिहार सरकार का बड़ा ऐलान जो कि मिलने वाला है अनुदान राशि। और इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वाला, जिसका कि ऑनलाइन फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट है, लास्ट डेट, अंतिम तिथि आवेदन की, वो 18 अप्रैल तक है, लंबा टाइम है, ठीक है। तो इसमें मैंने सब कुछ बताया था कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, कैसे करना है सब कुछ। तो इसमें जो है मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन जिला इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो है सभी जिला वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो अब मैं बताऊँगा आपको कि कौन कौन जिला वाले अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्म आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा, लास्ट डेट 18 अप्रैल ही है। तो चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आया है कृषि विभाग की तरफ से जो कि मिलने वाला है अनुदान राशि, तो जो बारिश और ओला से जो क्षति हुई थी उसकी क्षति की पूर्ति के लिए आपको मिलने वाला है अनुदान राशि, और उसी का जो है 18 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अपडेट और कौन कौन जिला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिहार राज्य में मार्च में बेमौसम बारिश, आंधी एवं ओलावृष्टि से हुई फसलों क्षति की भरपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और 23 जिलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार से लिए जाएंगे, और जो है किसान 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कुल 23 जिलों में जो है इसकी आवेदन शुरू हो चुकी है, इन्हीं को मिलने वाला है। मैं आगे बताने वाला हूँ आपको नाम कि किस किस जिला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो कृषि मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि 4 से 6 एवं 13 से 15 मार्च के बीच बेमौसम बारिश से 23 जिलों में जो है 3,84,000 हेक्टेयर में क्षेत्र में जो है रबी फसलों को क्षति पहुँची है, और भरपाई के लिए 518 करोड़ की राशि जो है वो जारी भी हो चुकी है, कर दी गई है। और जिन जिलों में नुकसान हुआ है उनमें देखिए, यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, ये वाले जिला लोग अप्लाई कर सकते हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, बांका, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, मधेपुरा एवं किशनगंज। यानी कुल जो है 23 जिला, यहाँ पर मैंने नाम बता दिया आपको, ये जिला वाले को ही मिलेगा इस अनुदान राशि का लाभ, क्योंकि यहीं पर जो है फसल की क्षति हुई है सरकार के अनुसार। और कृषि मंत्री ने बताया कि अनुदान की राशि केंद्रीय मानकों के अनुरूप किसानों के खाते में दी जाएगी, और सिंचाई क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपये एवं असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा, और एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही अनुदान मिल सकेगा, और किसी भी किसान को 1,000 से कम अनुदान नहीं मिलेगा। यानी कि जो मिनिमम है वो आपको 1,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और बाकी अपडेट के लिए जो मेरा जो पहला वीडियो है, वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखिएगा तो आपको सारा जो उसका योग्यता है, रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी जो था पता कि किन किन जिलों को मिलने वाला है, तो मैंने यहाँ पर 23 जिला का नाम आपको दिखा दिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन जिलों को ही मिलेगा, ठीक है। कुल जो है 38 जिला है बिहार में, तो सिर्फ ये जो 23 जिला का नाम बताया, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इन्हीं को सिर्फ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था अपडेट। तो जो लोग का हुआ है फसल क्षति, तो वो लोग अप्लाई कीजिए, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए और उसको अप्लाई कर दीजिए फटाफट, 18 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग कैसे हैं जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।